स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। स्वामी विवेकानंद जी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज से ठीक 129 साल पहले 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। ज्ञान से भरे इस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों की बुनियादी चीज़ों का उल्लेख किया। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने दर्शकों को अमेरिका के भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद जी के इस भाषण ने कट्टरता को समाप्त करने का आह्वान किया, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण देशभक्ति से भरा हुआ था। सभी धर्मों से प्रेम करना, धर्म का विश्लेषण करना, विज्ञान से परिचित होना, कर्मकांडों के महत्व और आवश्यकता को जानना, हिंदू धर्म की जड़ों से अवगत होना और विज्ञान के लक्ष्य पर आधारित था। इससे पहले कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की उस महान ऊर्जा से भरे भाषण को सुनाऊं, एक पहर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण था। आखिर वो अंत सबके जीवन में आता है जब इस महान आत्मा ने 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ हावड़ा में इस मिट्टी के शरीर को त्याग दिया और पूरी दुनिया के लिए ऐसी महान प्रेरणा के रूप में अमर हो। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों का सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियाँ संजोकर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। भाइयों, मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है जो कि मुझ तक आता है। चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है, न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है।
मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। शिकागो की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के साथ दो बहुत ही सुंदर घटना घटित हुई, जिसके जरिए आज हमारे देश के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था है और दूसरा देश को ऐसी छवि प्रदान करना जब भारत की छवि कुछ दब्बू किस्म की बनी हुई थी। जमशेद जी टाटा से भेंट। आज अगर देश के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था है तो इसका श्रेय विवेकानंद जी को जाता है। जब विवेकानंद शिकागो भाषण देने जा रहे थे तो जहाज के सफर में उनकी भेंट जमशेद जी टाटा से हुई। दोनों की बातचीत कई मुद्दों को लेकर हुई और विवेकानंद को पता चला कि जमशेद जी कुछ नए बिजनेस आइडिया के लिए अमेरिका जा रहे हैं। विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा को भारत में एक अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान खोलने के अलावा एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवाओं का विकास होगा और उनको रोजगार का अवसर भी मिलेगा। जमशेद जी टाटा का इस पर काफ़ी असर हुआ और उन्होंने इन दोनों मोर्चों पर काम करने की ठान ली। उस पर अमल करते हुए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और स्टील फैक्ट्री भी खोली। बोस्टन की यात्रा और जॉन हेनरी राइट से जब उनका मिलना होता है, शिकागो जाने के बाद विवेकानंद को पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है और सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही धर्म संसद शुरू होगी। उन्होंने बीच की अवधि के लिए बोस्टन जाने का फैसला किया। बोस्टन में उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। राइट ने विवेकानंद को यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और भाषण से वह काफ़ी प्रभावित भी हुए। जब राइट को पता चला कि विवेकानंद के पास धर्म संसद में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं है और कोई परिचय पत्र भी नहीं है, तो उन्होंने कहा, आपका परिचय मांगना ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य से स्वर्ग में चमकने के लिए उसके अधिकार का सबूत मांगना है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, उनके द्वारा प्रेरणादायी बातों को अपनी ऊर्जा में रोज शामिल जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।